हेलो टेक्सचर्स, वेलकम है आप सबका टेकी विजन टॉक्स पे। मैं मनन आज आप लोगों के लिए एक और वीडियो लेके आया हूँ जिसमें आज हम दो टेबल लैंप्स का कंपैरिजन करने वाले हैं। कुछ टाइम पहले मैंने विप्रो के दो टेबल लैंप्स मंगवाए थे, तो आज हम उन दोनों के बीच का कंपैरिजन करेंगे, कौन सा लैंप अच्छा है और कुछ कुछ फीचर्स उसके बारे में। ठीक है, सो चलिए शुरू करते हैं। सो गाइज, हमारे पास आ गए हैं दोनों लैंप, विप्रो का ये 5 वॉट एंड ये 6 वॉट वाला लैंप। ठीक है, तो डिज़ाइन के बारे में बात करी जाए, दोनों ही अपने हिसाब से काफ़ी अच्छे डिज़ाइन है। ठीक है, इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू, इसको आप एज अ लैम्प ही यूज़ कर पाओगे। बट एक इसका एक्स्ट्रा फीचर जो है, मैं इस वाले लैम्प का जो डेको लैम्प है इसका कहूँगा कि आप इसको एज अ नाइट लैम्प भी यूज़ कर सकते हो, नाइट लाइट की तरह। और ये काफ़ी डेकोरेटिव सा भी है। अभी अगर एक्चुअली मैंने जब ये लैम्प मंगवाया था, मैंने इनकी अनबॉक्सिंग और एक रिव्यू वीडियो भी बनाई है, तो मैं उन्हें आई बटन में लिंक कर दूंगा, आप उन्हें जाके देखिए। ठीक है, उसमें मैंने इसकी लाइट्स और उसका लाइट्स दिखा रखी है। बट मैं आपको अभी इसकी लाइट्स एंड ऑल का भी एक बार कंपेयर करके दिखाता हूँ कि दोनों लैम्प्स में किसकी लाइट ज़्यादा अच्छी है, या उसके और भी फीचर्स के बारे में बात करते हैं। सो इतनी रोशनी में मैं आपको अभी लाइट दिखाऊंगा तो कुछ समझ नहीं आएगा। एक काम करते हैं, अंधेरे में एक बार इन दोनों को अच्छे से रिव्यू कर लेते हैं, एक बार देख लेते हैं कि इनकी लाइट हमारी टेबल पे कैसे लग रही है, या वो कवर कर भी रही है नहीं कर रही है, और इसके काफ़ी एक दो और एस्पेक्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो चलो इसको अंधेरे में लेके चलते हैं एक बार। सो गाइस, जैसे कि हमने बोला कि आज हम इन दोनों लैम्प्स का रिव्यू करने वाले हैं, तो मैंने दोनों लैम्प्स को ऑन कर दिया है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, एक को एक कॉर्नर पर रखता हूँ टेबल के, और जो ये वाला है इसको दूसरे कोने पे रखता हूँ। ठीक है, सो सबसे पहले हम जो गार्नेट है 5 वॉट वाला, उसको रिव्यू करते हैं। ये इसकी सबसे डिमेस्ट लाइट है, इसकी मैं लाइट को थोड़ा इंक्रीज़ करता हूँ। सो इसकी लाइट देखिए आप, ठीक है, प्लस मैं इस वाले इसको भी ऑन कर देता हूँ, और इसकी लाइट को सबसे हाईएस्ट पे कर देता हूँ। ओके, ये डिम हो गई और ये हाईएस्ट हो गई। अब इसके अंदर ये है कि आपके लाइट मोड्स नहीं है, आपको डिम, जैसे आपको अगर बीच की लाइट, मीडियम लाइट चाहिए तो आपको करना पड़ेगा, इसको प्रेस करके रखिए, जहाँ ये आपको लगे सही है आप वहाँ पे छोड़ दीजिए। तो बल्कि ठीक है, ये इसकी हाईएस्ट, बल्कि इस लैम्प के अंदर आपको अलग अलग कंट्रोल्स मिलते हैं। ये देखिए, ईजी, ना आपको प्रेस करना है ना कुछ करना है। ठीक है, एक जो इसका फीचर है जो मुझे इसका अच्छा लगा विप्रो गार्नेट का, वो ये। प्लस अब इंडिविजुअली इसको चेक कर लेते हैं, एक बार इसकी लाइट को चेक करते हैं सबसे पहले। ओके, सो इसकी लाइट ये सबसे हाईएस्ट है, आप देख सकते हैं। बट इसकी लाइट में थोड़ा सा आपको येलोइश टच मिल रहा है, बल्कि अगर आप उसको चेक करेंगे तो उसकी लाइट में वो बिल्कुल प्योर वाइट लाइट है। ठीक है, सो वैसे तो कहते हैं कि आपके आजकल कंप्यूटर्स की स्क्रीन पे या लैपटॉप में भी मोड्स आ रहे हैं नाइट लाइट वाला मोड, उसमें भी थोड़ा येलोइश लाइट होती है, सो दैट वो आइज़ पे थोड़ा काम रहती है। ठीक है, तो इसको बंद करते हैं। इसका तो मोस्टली मुझे बस ये लाइट अच्छी लगी, और देखा जाए तो इसकी लाइट ज़्यादा, मतलब ऑफ़ कोर्स आई वुड से कि इसकी लाइट थोड़ी सी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू जो विप्रो का ये डेको लैम्प है। बट इसमें जो लाइट है वो थोड़ी येलोइश है, इसके अंदर आपको प्योर वाइट लाइट मिल रही है। सो आई थिंक वाइट लाइट थोड़ी सी वो हो सकती है आँखों के लिए, स्ट्रेनफुल। ठीक है, ये इसको बंद कर देता हूँ मैं। ओके, और इसको ऑन कर देते हैं। सो ओवरऑल देखा जाए दोनों की लाइट, इसमें 6 वॉट की एलईडी लाइट्स हैं, इसमें 5 वॉट की एलईडी लाइट हैं। सो अब मैंने आपको इनकी दोनों की लाइट दिखा दी, और नाउ आई वुड से कि मेरे को तो दोनों लैंप ही काफ़ी अच्छे लग रहे हैं, बट मुझे इसके यूजेस काफ़ी ज़्यादा लग रहे हैं कि मैं इसे एज अ नाइट लैम्प एंड ऑल यूज़ कर सकता हूँ। इसको मैं सिर्फ और सिर्फ एज अ लैम्प यूज़ कर सकता हूँ, ये मेरे को टेबल पे डेकोरेशन के लिए भी अच्छा रहेगा। सो ये कुछ फीचर्स थे जो मैं आपको बताना चाहता था इसके। सो दैट्स ऑल फॉर द वीडियो, मतलब इतना ही है। अगर आपको इसके बारे में कुछ और देखना है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं, आई विल डेफिनेटली ट्राई टू मेक अ वीडियो फॉर दैट, और आई विल आंसर दैट फॉर यू। सो थैंक यू गाइज। सो टेक्सचर्स, आपने देखा इन दोनों लैम्प का हमने कंपेरिजन किया। अब
अगर बात करें कि कौन सा लैंप अच्छा है कौन सा बुरा है, सो टोटली यार ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी नीड कैसी है, ठीक है। मेरे लिए मुझे ये वाला लैंप सबसे बेस्ट लगा जस्ट बिकॉज मैं इसे एज अ नाइट लैंप भी यूज़ कर सकता हूँ और इसे एज अ थोड़ा डेकोरेटिव लैंप भी यूज़ कर सकता हूँ। बट ऑफ कोर्स जो ओपिनियन होता है वो हर एक का अलग अलग होता है। मैं चाहता हूँ कि आप अपने हिसाब से देखिए, मैंने आपको इन दोनों के फीचर्स बता दिए, ठीक है, वो अब आपकी चॉइस है आपको कौन से लैंप अच्छा लगता है। एक चीज़ जो मुझे दोनों लैंप की बतानी है कि जो इसका ये लाइक इंटरसेक्शन है ना, ठीक है, इसके अंदर ये क्या है कि जो इसका स्क्रू है, अगर आप देखोगे यहाँ पे एक स्क्रू है, ठीक है, सो वो स्क्रू कभी कभार लूज़ हो जाता है, सो यू हैव टू टाइट इट विद अ कॉइन या स्केल से आप इसे टाइट कर लोगे, सो इतना कोई बड़ा इशू नहीं है। बट हाँ, ऑफ कोर्स अगर इसका स्क्रू थोड़ा और टाइट होता तो अच्छा होता, बिकॉज वी डोंट हैव टू डू एन एक्स्ट्रा एफर्ट। बाकी ओवरऑल मुझे मेरे हिसाब से ये लैम्प सबसे बेस्ट लगा। बाकी ये आपकी चॉइस है, आप लोग ज़रूर बताइएगा मुझे कमेंट बॉक्स में कि आपको कौन सा लैम्प अच्छा लग रहा है, ठीक है। और अगर आप चाहते हो कि मैं इसके किसी और एस्पेक्ट के बारे में वीडियो बनाऊँ या आपको जो भी एक्स्ट्रा चीज़ चाहिए, प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। सो तब तक के लिए मैं लेता हूँ अलविदा आपसे, और हाँ, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब करिए चैनल को और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिए। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय।